माई चैनल एंड माई नेम इज शायुनी। सो गाइस, तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ ये बहुत ही ईजी एक मेकअप लुक। तो ये मेकअप लुक आप कोई भी एज में हो, चाहे आप टीनेजर हो या आप एडल्ट हो, आप बहुत ही ईजिली क्रिएट कर सकते हो। बहुत ज़्यादा सिंपल एंड ईजी समर मेकअप लुक है, बहुत ज़्यादा क्विक ये मेकअप लुक क्रिएट हो जाता है। एंड गाइज, मेरी मोस्ट ऑफ द वीडियोज़ में मैं यही टाइप की मैं मेकअप लुक क्रिएट करती हूँ। एंड मेनी ऑफ यू हैव आस्क्ड मी कि मेरी जो मेकअप लुक है वीडियोस में वो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँ। सो गाइज, हियर इट इज। सो कभी आई मेकअप एंड जो लिपस्टिक का कलर है वो चेंज होता रहता है, बट बेसिक जो मेकअप लुक है वो यही रहता है मेरी वीडियोस में। सो गाइज, तो चलिए और ज्यादा देर ना करते हुए सीधा वीडियो में चलते हैं। और अगर आपको आज का ये मेकअप लुक पसंद आए, देन डोंट फॉरगेट टू गिव इट अ बिग थम्स अप। सो चलिए गाइज, और ज्यादा देर ना करते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड। सो माई फेस इज ऑलरेडी मॉइस्चराइज्ड एंड मैंने लिप्स में लिप बाम अप्लाई कर लिया है। सो नेक्स्ट मैं प्राइमर अप्लाई करूँगी। तो आज मैं ब्लू हेवन की प्राइमर लगा रही हूँ। तो आप कोई भी प्राइमर लगा सकते हो ऑफ योर चॉइस। सो प्राइमर मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाता है एंड मेकअप से स्किन को प्रोटेक्ट भी करता है। सो प्राइमर इज वेरी मस्ट। बहुत ही इजी एंड लाइट मेकअप कर रही हूँ तो इसके लिए मैं सिर्फ कंसीलर यूज़ कर रही हूँ, कोई भी बीबीसीसी क्रीम या फाउंडेशन मैं अप्लाई नहीं कर रही हूँ। सो ये मेबलिन की फिट मी कंसीलर है एंड ये जो शेड है ये मेरी स्किन कम्प्लेक्शन से ऑलमोस्ट मैच करता है। सो जहाँ जहाँ मुझे ज़रूरत है कंसीलर, वहाँ वहाँ मैं कंसीलर अप्लाई कर लूँगी। तो आप चाहो तो आप हाईलाइटिंग कंसीलर भी लगा सकते हो अंडर आइज में, बट इट्स नॉट नेसेसरी। सो देन मैं एक वेट स्पंज या ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से मैं ब्लेंड कर लूँगी कंसीलर को। तो आप चाहो तो आप फिंगर के हक से या ब्रश के हक से भी ब्लेंड कर सकते हो, इट्स कम्प्लीटली अप टू यू अगेन। एंड ये कंसीलर बहुत ही ईजी ब्लेंड हो जाता है। एंड जो भी प्रोडक्ट्स मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ वो सारे प्रोडक्ट्स के डायरेक्ट लिंक विथ शेड नेम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स डेफिनेटली चेक कर लीजिएगा। क्योंकि अभी समर है तो कंसीलर को सेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो इसके लिए मैं मेबलिन फिट मी कॉम्पैक्ट के हेल्प से कंसीलर को अच्छे से सेट कर लूँगी। पूरे फेस में एंड नेक में भी मैं ये कॉम्पैक्ट को अप्लाई कर लूँगी, क्योंकि फेस के साथ साथ नेक को भी हमें यू नो सिमिलर करना है। तो इसके लिए फेस के साथ साथ नेक में भी हमें कॉम्पैक्ट को अप्लाई कर लेना है। एंड ये कॉम्पैक्ट काफ़ी देर तक फेस को ऑयली होने से प्रिवेंट करता है, लो टू मीडियम कवरेज देता है एंड स्मूथ है, सॉफ्ट है। सो अफोर्डेबल प्राइस के अंदर बहुत ही अच्छा कॉम्पैक्ट है। सो वेट ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से मैं अप्लाई कर रही हूँ कॉम्पैक्ट को, ताकि बहुत ज़्यादा पाउडरी ना लगे एंड ये जो कॉम्पैक्ट है वो अच्छे से सेट कर सके कंसीलर। नेक्स्ट मैं आईब्रोज को फिल कर लूँगी। सो मोस्ट ऑफ द टाइम मैं आईब्रो पेंसिल यूज़ करती हूँ, आपने देखा होगा, क्योंकि इट्स द मोस्ट फास्टेस्ट एंड ईजिएस्ट वे टू फिल आईब्रोज। सो इसके लिए मैं आईब्रो पेंसिल ज़्यादा यूज़ करना पसंद करती हूँ। एंड आज मैं मिस क्लेयर की आईब्रो पेंसिल यूज़ कर रही हूँ एंड ये मिस क्लेयर की आईब्रो पेंसिल्स बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल होने के साथ साथ पिगमेंटेड है, बहुत ही ईजिली अप्लाई हो जाता है, स्मूथ है। सो इसके लिए आई लाइक मिस क्लेयर आईब्रो पेंसिल्स। सो आई यूज़ स्मॉल स्ट्रोक्स टू फिल माई आई ब्राउज एंड देन मैं स्कूली की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर लेती हूँ। सो टुडे आई एम यूजिंग ओनली काजल फॉर माई आई मेकअप एंड ये लॉरियल पेरिस की काजल है गाइज इन द शेड ग्रे। एंड ये काजल बहुत ही ज़्यादा स्मूथ, बटरी सॉफ्ट, पिगमेंटेड एंड स्मच फ्री काजल है, स्मच प्रूफ काजल है। यू शुड डेफिनेटली ट्राई दिस काजल गाइज, ये बहुत ही अच्छा काजल है। सो आप कोई भी आई लाइनर, कोई भी कलर का काजल, जेल आई लाइनर, कोई भी कुछ भी लगा सकते हो, वॉट एवर यू लाइक। सो मैं आज कोई भी आई शेडो अप्लाई नहीं कर रही हूँ, क्योंकि अगेन ये एक बहुत ही ईजी पीजी क्विक लाइट मेकअप लुक है। तो आप चाहो तो आप आई शेडो लगा सकते हो, बट मोस्ट ऑफ द टाइम जब मैं शूट करने बैठती हूँ तो मैं यही टाइप्स ऑफ मैं मेकअप लुक करती हूँ। बहुत ही ईजी होता है, बहुत ही क्विक होता है। सो एज यू कैन सी गाइस, मैं लोअर लैश लाइन में ये काजल को हल्का सा स्मज कर रही हूँ, ताकि थोड़ा सा नेचुरल लुक आए। मैंने
मैंने फॉल से सप्लाई किया है, सो ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है, आप चाहो तो आप नहीं भी कर सकते हो। मैं भी कभी कभी मैं फॉल से सप्लाई नहीं करती हूँ, सिर्फ मैं मस्कारा अप्लाई कर लेती हूँ। सो नेक्स्ट मैं मस्कारा अप्लाई करूँगी। ये एसेंस की आई लव एक्सट्रीम वॉल्यूम मस्कारा है, ये बहुत ही अच्छा सा वॉल्यूम देता है एंड उसके साथ साथ ये काफ़ी अच्छा लेंथ भी देता है। सो एसेंस की मस्कारा अफोर्डेबल होने के साथ साथ बहुत ही अच्छा काम करता है, सो यू शुड ट्राई एसेंस मस्कारास। नेक्स्ट अप गाइस, मैं मेरी कंटूर एंड हाइलाइटिंग के लिए मैं शिवाना कलर्स की हाइलाइटिंग पैलेट मैं यूज़ करूँगी। एंड गाइस, ये मेरी मोस्ट यूज्ड फेस मेकअप पैलेट है क्योंकि इसमें एक कंटूर शेड है एंड बहुत से डिफरेंट कलर्स की हाइलाइटर है जो कि एज अ ब्लश कम हाइलाइटर का काम करता है। एंड अगर आपको क्विक मेकअप लुक क्रिएट करना है तो ये जो पैलेट है ये बहुत ज़्यादा हैंडी है। तो इसमें से जो ये कंटूर शेड है तो उसके हेल्प से मैं कंटूरिंग कर लूँगी। बहुत ज़्यादा मैं हार्श या डार्क कंटूरिंग नहीं करूंगी, सॉफ्ट कंट्रोलिंग करूंगी। सो ये हाइलाइटर पैलेट की डिफरेंट डिफरेंट शेड्स आता है अकॉर्डिंग टू योर स्किन कम्प्लेक्शन। सो आपकी स्किन कम्प्लेक्शन के हिसाब से जो शेड है वो आप चूज कर सकते हो। समटाइम्स मैं कंट्रोल भी नहीं करती हूँ, सिर्फ हल्का सा मैं हाइलाइटर जो ब्लश कम हाइलाइटर है कलरिंग वो मैं अप्लाई कर लेती हूँ। सो या ये मेरी मूड के ऊपर होता है कि मैं किस दिन मैं क्या मेकअप करूंगी, मैं कंट्रोल अप्लाई करूंगी या सिर्फ हाइलाइटर या कुछ भी नहीं। सो या सिर्फ फेस के ऊपर बहुत सारे प्रोडक्ट्स थोपना नहीं होता है। मेकअप इज़ लाइक आप कितना ज़्यादा कंफर्टेबल हो तो आपकी जो कंफर्ट जोन है तो उसके अंदर रह के ही आप मेकअप कर सकते हो। कोई भी पीयर प्रेशर नहीं है कि ये इतना ज़्यादा मेकअप कर रहा है तो मुझे भी करना है, सो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। एंड ये आज जो मेकअप लुक मैं क्रिएट कर रही हूँ ये टीनेजर्स भी कर सकते हैं, सिर्फ कंटूरिंग को छोड़ के। टीनेज में कंटूरिंग ज़रूरी नहीं होता है। एक्सेप्ट द कंटूरिंग पार्ट, आप ये जो होल मेकअप लुक है ये क्रिएट कर सकते हो, बहुत ज़्यादा ईजी है। नेक्स्ट ये दो शेड को मिक्स करके मैं एज अ हाइलाइटर मैं अप्लाई कर लूँगी मेरी हाईएस्ट पॉइंट ऑफ चिक्स पे। एंड क्योंकि ये थोड़ा सा कलरिंग है तो इसलिए एक हल्का सा ब्लशिंग इफेक्ट देता है विच लुक्स रियली नाइस। एंड ये हाइलाइटर्स सॉफ्ट टू सटल टू ब्लिंगी, आप ये थ्री काइंड ऑफ तरीके से ही लगा सकते हो। तो अगर आप थोड़ा सा लगाओगे तो एक सॉफ्ट सटल सा लुक देगा एंड अगर आप बहुत ज़्यादा लगाओगे तो एक ब्लिंगी इफेक्ट देगा। सो जो आपको पसंद हो आप वो लगा सकते हो। देन ये शैम्पेन काइंड ऑफ शेड को मैं नोज़ में एंड क्यूपिड बो में एंड चिन में मैं अप्लाई कर लूँगी। मैं फोरहेड में हाइलाइटर अप्लाई नहीं करती हूँ समर में क्योंकि फेस काफ़ी ज़्यादा ऑयली लगता है इसके लिए। तो अगर चाहो तो आप फोरहेड में भी अप्लाई कर सकते हो। देन मैं मेरी पिंकी फिंगर में ये पिंकी शेड को मैं पिक करके आइज के इनर कॉर्नर एंड ब्राउ बोन में मैं लगा लूँगी। तो अगर आपके पास ब्रश ना हो या क्विक आपको अगर अप्लाई करना हो तो पिंकी फिंगर इज़ बेस्ट। सो लास्ट में लिपस्टिक अप्लाई कर लूँगी। सो ये लॉरियल पेरिस की रूज सिग्नेचर लिपस्टिक है एंड ये लिपस्टिक के ऊपर फुल रिव्यू वीडियो विथ स्वॉचेस मेरे चैनल पे है ऑलरेडी। सो आपको लिंक आई बटन पे एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो ये एक ब्यूटीफुल वार्म ऑरेंज टोन ब्राउन कलर है एंड इट्स वन ऑफ माई फेवरेट लिपस्टिक गाइज। सो ये मेकअप लुक के साथ आप कोई भी लिपस्टिक का कलर लगा सकते हो, बहुत ही अच्छा जाएगा। मेकअप लुक कैसा लगा है और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, हेल्पफुल लगा है, देन डोंट फॉरगेट टू गिव इट अ बिग थम्स अप, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड आल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। ये बेल आइकन अगर आप नहीं प्रेस करोगे तो जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगी आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा एंड आप मेरी वीडियोस मिस कर दोगे। सो बेल आइकन जरूर प्रेस करना है। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।